हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी विटामिन सी सीरम के बेनिफिट्स, विटामिन सी हमारे स्किन के लिए किस तरीके से वर्क करता है एंड विटामिन सी सीरम का रिव्यू। फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं विटामिन सी हमारे स्किन के लिए क्यों ज़रूरी है। हम हमारे स्किन में एक हेल्दी ग्लो के लिए बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बट हम लोग कभी ये नहीं देखते हैं कि वो स्किन केयर प्रोडक्ट हमारे स्किन पे किस तरीके से वर्क कर रहा है या हमारे स्किन के लिए वो है भी कि नहीं। आपकी स्किन में क्या प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ही आपको अपने स्किन पे कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। हमारी जो स्किन है गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा बोलते ना, हमें उसको बहुत प्यार से रखना चाहिए, बट अभी का जो टाइम है गाइस, धूल मिट्टी, पॉल्यूशन, सन डैमेज एंड अगर देखा जाए बाहर भी जा रहे हैं तो वो तो है ही, बट आप घर पे भी हम अपनी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग मोबाइल फ़ोन चलाते हैं या लैपटॉप स्क्रीन यूज़ करते हैं उससे भी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, जिससे प्रीमेच्योर एजिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, स्किन लटक जाती है। सन डैमेज की वजह से हमारे स्किन पे डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम हो सकती है, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है एंड अगर आप धूल मिट्टी पॉल्यूशन में जाते हैं, ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा देर तक आपको रहना पड़ता है, तो उससे भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इससे छुटकारा कैसे मिले या इससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो विटामिन सी की बात करूँ तो विटामिन सी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इन सारी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है गाइस। विटामिन सी एक ऐसा इंग्रेडिएंट माना जाता है जो हर स्किन टाइप पे सूट हो जाता है। तो अभी का जो टाइम है, आप लोग हर स्किन के रूटीन में देखेंगे या हर स्किन के प्रोडक्ट में देखेंगे विटामिन सी बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है, चाहे फेस वॉश हो, चाहे सीरम हो, चाहे टोनर हो एंड और भी अगर आप बहुत अच्छे से फेस पैक देखें या क्रीम्स देखें तो उसमें भी आपको विटामिन सी रेंज अच्छी मिल जाती है। तो आप अपने स्किन के रूटीन में उनको ऐड कर सकते हैं एंड अपने स्किन टेक्सचर या स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो विटामिन सी हमारे स्किन के लिए क्यों बेनिफिशियल है? विटामिन सी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो हमारी स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है एंड साथ ही साथ में सन डैमेज को रिमूव करने में हेल्प करता है। आप बाहर जा रहे हैं, पॉल्यूशन में आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है एंड आपका जो फेस है वो डार्कर से डार्कर होता जा रहा है। जो विटामिन सी है वो हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को लाइटर करने में हेल्प करता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है, हमारी जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है गाइस उसको इवन आउट करने में हेल्प करता है। जब आप विटामिन सी को अपने स्किन के रूटीन में ऐड करते हैं तो आप अपने स्किन में उसको यूज़ करते हैं तो उसके रेगुलर यूज़ से आप अपने स्किन कॉम्प्लेक्शन में एक अलग सा बदलाव देखने को आपको मिल सकता है, सो वो फील भी कर सकते हैं। विटामिन सी हाइपर पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट पे सबसे ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, जो कि इस साइड पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होने के रहते हैं लड़कियों को या लड़कों को, सो अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है या आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो चुके थे पहले के टाइम पे एंड आपके फेस पे उसके स्पॉट्स डार्क स्पॉट हो चुके हैं लेकिन वो जा नहीं रहे हैं, तो आप विटामिन सी को अपने स्किन के रूटीन में ऐड कीजिए, वो बहुत अच्छे से वर्क करता है एंड आपको कुछ और यूज़ करने की ज़रूरत फील नहीं होगी। अगर आप विटामिन सी को यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे एंड आपकी स्किन पे उसका इफेक्ट भी आप देख पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाइस प्रीमेच्योर एजिंग की, जिसमें आपको 20 एंड 22 के आसपास अपने फेस पे फाइन लाइंस एंड रिंकल्स की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, जो कि टाइम नहीं होता है वो सारी चीज़ें देखने के लिए, बट स्किन पे हमें वो चीज़ें देखने को मिल जाती है क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा अभी चेंज हो चुका है जिसकी वजह से हमारी स्किन पे वो इफ़ेक्ट करता है एंड ना चाहते हुए भी हमारे फेस पे वो इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। सो इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप विटामिन सी को यूज़ कर सकते हैं। सो विटामिन सी को हमारे स्किन पे किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही आएगा। विटामिन सी को अगर आप अपने स्किन के रूटीन में ऐड करना चाहते हैं तो आप एज अ सीरम यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो विटामिन सी का पूरा रेंज भी यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे इफ़ेक्टिव अगर आपको चाहिए तो आप एज अ सीरम उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो सीरम होता है गाइस वो हमारी स्किन पे डीप लेयर तक पहुंचता है, जिसकी वजह से अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा सन रेज या बहुत ज़्यादा ही डीपली स्किन डैमेज हो चुकी है तो उसको वो रिमूव करने में हेल्प करता है। सो ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी अगर आप विटामिन सी को एज अ सीरम यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस विटामिन सी सीरम के बारे में बात कर रही हूँ वो है सैनफे प्रॉमिस
फेस सीरम शॉट्स, जिसमें आपको मिल रहा है विटामिन सी प्लस एजी 1%। जो विटामिन सी सीरम है गाइस, ये स्किन को ब्राइटन बनाने में हेल्प करता है, साथ ही साथ में इल्यूमिनेट करने में भी हेल्प करता है। सो ये जो सीरम है गाइस, आपको इस तरीके से ग्लास पैकेजिंग में रिसीव होती है एंड इसका जो टेक्सचर है आप देख सकते हैं, आपको लाइट विटामिन सी सीरम जैसा ही फील होता है। कलर आपको इसमें मिल जाता है विटामिन सी जैसा एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है आपको लाइट विटामिन सी सीरम जैसी मिलती है। बहुत ही ज़्यादा एक्सेस स्मेल नहीं आती है, बहुत ही माइल्ड सी स्मेल है एंड आप जब इसको पोर करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट वेटेड टेक्सचर है। साथ ही साथ में गाइस, ये स्किन पे क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। आपको लेना है ओनली 2 to 3 ड्रॉप्स, जो कि आपके पूरे फेस के लिए इनफ रहता है। आपको ये सीरम कब यूज़ करना चाहिए, जब भी आप अपने स्किन के रूटीन फॉलो करते हैं, लाइक आप फेस वॉश कर रहे हैं, टोनर अप्लाई कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपको ये सीरम यूज़ करना है। एंड जो इफेक्ट है गाइस, बहुत ही विजुअली आप देख पाएंगे। साथ ही साथ में ये स्किन पे ना बिल्कुल भी चिपचिपाहट या ग्रीसीनेस नहीं देता है, स्किन पे बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। फर्स्ट आपको ड्रॉप करना है अपने फेस पे इसको डायरेक्टली ड्रॉपर से एंड देन आपको डैप करना है, लाइटली अपने फेस पे डैप करना है ताकि ये डीपली पेनिट्रेट हो। आपको इसको मसाज धीरे धीरे करनी है, बहुत ही ज़्यादा हार्शली आपको मसाज नहीं करनी है। आप कोशिश कीजिए कि आप इसको डैप करें ताकि ये डीपली पेनिट्रेट हो आपके स्किन पे एंड जैसे ही आपके स्किन पे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है एंड देन आप अपना मॉइस्चराइज़र जो है गाइस वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं एंड आप इसको डे एंड नाइट दोनों टाइम यूज़ करते हैं तो आप इसके इफेक्ट विजुअली देख पाएंगे। सो ये जो सीरम है गाइस, ये आपके स्किन के ग्लो को बूस्ट करने में हेल्प करता है एंड साथ ही साथ में आपकी स्किन पे अगर सन डैमेज हो चुकी है तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन या पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है तो उनको भी ये कम करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ में फाइन लाइंस को भी ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड इसी के साथ में जब भी आप ये सीरम यूज़ करते हैं तो ये आपके स्किन को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है। तो अगर ये सीरम आप रेगुलरली कंटिन्यू करते हैं गाइस, आप इसके इफेक्ट विजुअली देख पाएंगे एंड बहुत ही अच्छा नोटिस कर पाएंगे आप। सो आप डेफिनेटली गाइस इस सीरम को ट्राई कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके इसके चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। विटामिन सी से रिलेटेड मैंने सारी डिटेल्स आपको बहुत ही अच्छे से समझा दी है। तो आप अपने स्किन के रूटीन में इसको ज़रूर से ऐड ऑन कीजिए क्योंकि इसके इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड या शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, टेक केयर।